हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस, आज हमारे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे से ही, लेकिन 6 से 7 मैंने गोलू को पढ़ाया था। उसके बाद में मैंने सीधा लग गई थी काम पर और अब मैं बना रही थी खाना। और यहाँ मेरा दाल हो गया था और चावल भी मैंने रख दिया था और मैं सब्जी बना रही थी। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं करेंटली TGT की प्रिपरेशन करती हूँ और TGT की जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो गाइस, आप लोगों में से कितने लोग TGT की तैयारी करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ अपना खाना बना करके फटाफट सिंक में बर्तन था वो भी मैंने साफ कर लिया और मैं यहाँ दाल को देख रही थी कि अच्छे से हो गया है या नहीं हो रहा है। और यहाँ फिर वापस से गोलू आ गया था स्कूल पेपर दे करके, और इसका होली के पहले का लास्ट पेपर था तो काफ़ी कलर खेला था इसने स्कूल में और बिल्कुल गंदा हो। और यहाँ मेरे हस्बैंड जा रहे थे ड्यूटी और यहाँ मैं वापस से पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। दोपहर था तो मैं सो भी गई थी भेजने के बाद, उनको भेजने के बाद मैं वापस से सो गई थी क्योंकि मुझे काफ़ी थकान हो गई थी। मैं फ्रेश भी लग रहा होगा कि मैं सो करके उठी हूँ, बिल्कुल फुल्ला फुल्ला चेहरा है। और मैं ये वापस से स्टडी करने यहाँ बैठी थी और ये मुझे जमाई भी आ रहा था, पता नहीं कैसे फेस लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अब मैं यहाँ करूँगी स्टडी। और मैं यहाँ उलट करके देख रही थी मुझे कौन सा चैप्टर स्टडी करना है, क्योंकि मैंने कल भी ये बुक पढ़ी थी तो मैं वही देख रही थी कि मुझे कहाँ से पढ़ना है और काफ़ी सोच में डूबी हुई थी। गाइस, ये होता है ना कि जब आप पढ़ाई करते हो और मतलब परीक्षा की भी एक लिमिट टाइम होती है, परीक्षा करा ली जाए तो थोड़ा अलग मोटिवेशन रहता है। और मैंने ये फॉर्म फिल जून में ही किया है तो परीक्षा की अभी कोई भी डेट नहीं आई है। तो चलिए कोई बात नहीं, जितना टाइम परीक्षा नहीं हो रही, जितना टाइम हमको मिलता है कहीं ना कहीं मेरे लिए गोल्डन चांस ही होता है कि अच्छे से पढ़ाई कर ले, अच्छे से रिवीजन कर ले। तो बिल्कुल भी पढ़ाई में डीमोटिवेट नहीं होना है, रियाज तो करते ही रहना है हम लोगों को। तो अभिनव भी अपना काम कर रहा था और देख रहा था कौन कौन सी कॉपी ऐसी है जो मैं यूज़ कर रही थी, और मैं उससे बोल रही थी कि जो कॉपी आधी आधी भरी हुई है उसे कोचिंग में यूज़ कर लेना, क्योंकि बहुत सारी कॉपी और सारे कुछ ऐसे ही पड़े हुए हैं तो ऐसे ही रख देना उचित नहीं है। आधी आधी कॉपी वो कोचिंग में यूज़ कर लेंगे और बाकी तो जो नया सत्र स्टार्ट होगा तो नई कॉपी किताब तो लानी ही पड़ेगी। लेकिन उसे थोड़ा शौक़ थी और मैं भी सोच रही थी कि इस चीज़ में थोड़ा बिजी रहेगा। अब देखिए कैसे कॉपी किताब बिल्कुल पड़ा हुआ है। और यहाँ मैंने होली भी खेल लिया है। शाम को गाइस ने मेरा बिल्कुल भी मन उब रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मेरा भी अब मन कर रहा है कि कब घर चलूँ जाऊँ, कब घर चली जाऊँ। तो मैंने काफ़ी, मेरे बगल में मेरी सारी बहनें रहती हैं, बहन समानी हैं, तो मैंने सबको कलर लगाया और बहुत इन्जॉय किया। और गोलू भी काफ़ी सहयोग किया, सबको कलर उसने भी लगाया और मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, मेरा ही कलर उन लोग को भी दे रहा था। लो दीदी, मम्मा ने तुमको लगाया तो आप भी उन लोग मम्मा को लगा दो। और गाइस, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया।
और क्योंकि कल ये लोग भी चली जाएंगी, हम भी चले जाएंगे, तो फिर होली के बाद ही मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है तो ला थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं। और इन लोगों को भी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, और मैं तो भागी थी लेकिन कहाँ जाती, पकड़ करके रंग इन्होंने मुझे लगा ही दिया। ये अबीर था, तो कोई नहीं गाइस, होली आती ही मतलब ऐसे ही है, अगर कलर ना लगे तो होली का कोई मतलब ही नहीं होता। कुछ लोग बिल्कुल ना लगे का नहीं होता, जब थोड़ा बहुत रंग लग जाता है अच्छा लगता है, क्योंकि हर फेस्टिवल का अपना अलग अलग महत्व है। और ये काफ़ी कलरफुल फेस्टिवल होता है, और ये संदेश भी देता है कि हमारा जीवन भी काफ़ी कलरफुल रहे, कलरफुल इन द सेंस कि चारों तरफ से खुशियाँ रहे, और जीवन भी हमारा इसी कलर की तरह बिल्कुल रंग बिरंगा रहे। तो आप सबको भी पहले से ही हैप्पी होली। बाय बाय गाइस।